नवरात्रि की अष्टमी पर उत्तरकाशी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर मां के दर्शन किए हैं। वहीं भटवाड़ी के मल्ला स्थित प्रसिद्ध दंतोमती माता मंदिर और उत्तरकाशी के सिद्धपीठ कुट्टे देवी माता मंदिर में दिन भर माँ के जयकारे गूंजते रहे। घरों पर कन्या पूजन का कार्यक्रम भी चला। इस दौरान मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने रासो नृत्य कर देवी माता के भजनों पर खूब जमकर नाचगान किया। मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि हर साल हजारों की तादाद में यहां पर आसपास के दर्जनों गांव के भक्त लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मान्यता ऐसी है कि माता भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। इसके अलावा उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर, भैरव मंदिर, कालेश्वर मंदिर आदि पौराणिक मंदिरों में भक्तों की पूजा अर्चना के लिए दिनभर यहाँ पर भीड़ रही है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ये जो है ओम जय श्री माँ एक सेवाकार समिति का एक ग्रुप है और ये मल्ला का नवयुवक दल से जो है ये कार्यक्रम चलता है और यहाँ पे जो है आलू फलार हो गए, जैसे आलू हो गया, आपके फल फूल और ये चाय वाई, इसकी सारी व्यवस्था की जाती है। ओम देखिए, माँ भगवती नवदुर्गा का आज अष्टम दिवस है और यदि हम बात करते हैं माँ चंद्रमती की, तो माँ चंद्रमती का ये जो परिसर है यहाँ पर, ये बहुत ही सिद्ध पीठ है और जिसका कि स्कंद पुराण जो हमारा है, उस स्कंद पुराण में इस माँ भगवती चंद्रमती का वर्णन है। और निश्चित रूप से माँ भगवती जो विभिन्न रूपों में आज हम नवरात्र में इनकी पूजन कर रहे हैं, ये जनपद उत्तरकाशी और गंगोत्री, खास करके गंगोत्री विधानसभा के लिए जो है स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा सिद्धपीठ है और यहाँ पर तमाम आसपास के जो हमारे जो सबसे पहले मैं आज अष्टमी की आप सभी को नवरात्रि भक्तों को मैं बधाई देती हूँ और यहाँ पर बहुत मतलब इतना मेरा मायका यहीं से है और मेरे बचपन से माता रानी के यहाँ पर भक्ति और दिव्य दर्शन होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो भी मतलब जो प्रशासन से कोई नहीं होता, गाँव के ही लोग, हमारे मल्ला और पाई के ही लोग इसमें अपना सहयोग करते हैं और जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं जाने देते हैं। भक्तों के लिए अपनी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और यहाँ पर माँ भगवती सिद्ध पीठ है और जो भी अपनी इच्छा मनोकामना माँ हमेशा उसकी पूर्ण होती है। यहाँ पर अष्टमी का दिन है और माँ चंद्रमती के पास बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।